नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रूपल की रसोई में। आज हमने तैयार करी साबूदाने की खिचड़ी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए लिया है मैंने साबूदाना। साबूदाना आप अच्छी क्वालिटी का लीजिए। अब इस साबूदाने को मैं 3 बार पानी से धो दूंगी। साबूदाने को मैंने अच्छी तरह धो दिया, अब हम इसे भिगो देंगे। हमें इसमें इतना ही पानी डालना है। ये देखिए साबूदाना हमने भिगो दिया है, इसमें बराबर सा पानी रखा हमने थोड़ा सा, जो इसको भिगो दे अच्छी तरह। और हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे अच्छी तरह। 3 से 4 घंटे हमने साबूदाने को भिगोया था। ये देखिए एकदम तैयार हो गया। हाथ से इस तरह आप दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि खिचड़ी के लिए तैयार है। साथ ही मैंने आलू लिए जिसे मैंने बॉईल करके रखा है। अब मैं इसके बारीक बारीक पीस काटूंगी। और हमने लिए मूंगफली के दाने जिसे मैंने इसे रोस्ट करके रखा है। और इसके छिलके मैंने हटाने की कोशिश करी, जितने हटते उतने ही हटाइए वरना आप रहने दीजिए। साबूदाना बनाने के लिए लिया है हमने घी, हरी मिर्ची, साथ ही हमने ली है सेंधा नमक, जीरा, सौंफ और हरा धनिया। खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई रख दी गर्म होने, इसमें हमने जो घी लिया था उसे डालेंगे। जैसे ही हमारा घी गरम होता है हम इसमें डालेंगे जीरा, और जो हमने सौंफ ली थी उसे भी डाल देंगे इसमें। साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, ऐसे अच्छी तरह रोस्ट होने देंगे 1-2 मिनट। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, आलू को भी अच्छी तरह भून लेंगे घी में। आलू हमारे हल्के से भुना है, हम इसमें नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच। नमक हमने सेंधा लिया है, इससे आलू में अच्छी तरह कोट हो जाए नमक का भी। ये देखिए आलू को हमने अच्छी तरह पका लिया है, इसमें थोड़े क्रंची भी हो गए। अब जो साबूदाना है हमारा, इसमें हमने जो दाने आधे पीसे मूंगफली के उसे मिला देंगे। और कुछ दाने हमने थोड़े खड़े रखे हैं दरदरे से, उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसी में हम नमक मिला देंगे, नमक को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो साबूदाना और दाने मिक्स करे हैं, इस आलू में हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह, मिक्स कर लेंगे सारे चीजों को। साबूदाना आलू हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे और इसको मिक्स करके हम एकदम गैस को कम रखते हुए 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ढक्कन लगा के, जिससे ये और अच्छी तरह पक जाएगा साबूदाना अंदर से। अब हम इसे 5 मिनट एकदम गैस को कम रखते हुए छोड़ देंगे ऐसे ही। 5 मिनट हो चुके हैं खिचड़ी को, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये तैयार हो चुकी है एकदम खाने के लिए, एकदम खिली खिली और बहुत अच्छी हमारी साबूदाने की खिचड़ी तैयार हुई है। दोस्तों आप इसे जरूर ट्राई करिए सावन में। दोस्तों हमारे साबूदाने की खिचड़ी पूरी तरह तैयार है। अब हम इसमें 1/2 नींबू डाल देंगे और इसे आप गरम गरम खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको।